घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल तो देखते ही होंगे या आप खुद भी करते होंगे। इसका अधिकतर इस्तेमाल खाने को पैक करने में किया जाता है। रेस्टोरेंट में, होटल में या आप लंच बॉक्स भी कभी कभी पैक करते होंगे, या आप कभी अगर ट्रैवल करते होंगे तो भी एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते होंगे, उसमें आप खाना पैक करते होंगे। एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसका कोई खतरनाक असर होता है या नहीं होता, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। अधिकतर लोग खाने को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ, एल्युमिनियम फॉयल में रखा हुआ खाना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दरअसल, जब हम एल्युमिनियम फॉयल में किसी गर्म चीज़ को लपेटते हैं तो यह गर्म हो जा तो एल्युमिनियम फॉयल भी गर्म हो जाती है, और इसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसके कारण एल्युमिनियम के कण खाने में मिल जाते हैं। इससे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। एल्युमिनियम फॉयल को के अंदर कभी भी मसालेदार खाना पैक नहीं करें। गरम गरम खाना फॉयल में पैक ना करें। ऐसा करने से एल्युमिनियम पिघलकर खाने में मिल जाती है। इससे अल्जाइमर और डिमेंशिया होने का खतरा भी बढ़ सकता है। अच्छी क्वालिटी के फॉयल पेपर का इस्तेमाल करें। कुछ लोग एसिडिक चीज़ों का को फॉयल में पैक कर देते हैं। ऐसा आप नहीं करना चाहिए। यह एल्युमिनियम फॉयल एक टाइप का मीठा जहर कह सकते हैं, जो कि धीरे धीरे आपको बीमार कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप भी जान गए होंगे एल्युमिनियम फॉयल का हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही नौ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।